दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग्स में, इंटरनेट ऑप्शंस में पढ़ाई करते टाइम पे इंटरनेट की कुकीज के बारे में जरूर सुना होगा। अब ये कुकीज क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये आपके लिए अच्छी हैं या नहीं है, ये सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है एलई टीवी 1S स्मार्टफोन का, वो अभी भी चल रहा है। तो उसके लिए आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाके एंटर करने से आप जीत सकते हैं एक एलई टीवी 1S स्मार्टफोन। दोस्तों, हम सभी ने कुकीज के बारे में कहीं ना कहीं सुना है। हमको इंटरनेट में ऑप्शंस में दिख जाता है कि अलाउ कुकीज या डिलीट कुकीज, डिसेबल कुकीज, या हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कुकीज करके कुछ तो होता है इंटरनेट में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुकीज होती क्या है। तो कुकीज कुछ फाइल्स हैं जो आपके इंटरनेट ब्राउजर की कैश मेमोरी में स्टोर्ड होती है। अब वो फाइल्स आती कहां से है कि जब भी आप किसी कुकी इनेबल्ड वेबसाइट पर जाते हैं किसी भी ब्राउजर से, फॉर एग्जाम्पल, तो जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील या किसी भी एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट का, या किसी भी एक ऑनलाइन बुकिंग साइट का, एक टिकट बुकिंग साइट का, या कुछ भी है, तो जब भी हम किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जो कुकी इनेबल्ड है, तो वो हमारे ब्राउजर पर डिपेंड करता है। हालांकि सबसे पहले कि हमारे ब्राउजर से वो कुकी को इनेबल या डिसेबल किया हुआ है क्या। अगर वो कुकीज इनेबल्ड है तो वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में एक कुकी को ड्रॉप कर देगी, अपनी तरफ से एक फाइल को हमारे कंप्यूटर में इम्प्लांट कर देगी। उसके बाद में हमने उस वेबसाइट पे क्या क्या किया, हमने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या हमने खरीदा या नहीं खरीदा, या हमने क्या आइटम ज्यादा देर तक देखा, क्या आइटम हमने कम देर तक देखा, या हमने अगर कोई बुकिंग वेबसाइट है तो हमने कहां के होटल्स को बुक किया है, या कौन सी ट्रेन या कौन सी फ्लाइट को बुक किया है, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन वो कुकी की हेल्प से वेबसाइट तक पहुंचती रहती है, ताकि आप जब अगली बार उस वेबसाइट पर जाएं तो वो आपको रिकमेंडेड रिजल्ट्स दिखा सके कि हाँ, ये आपके लिए रिकमेंडेशन है हमारी, या ये आपके लिए ना हॉट आइटम्स है। तो वो कुकीज उनको हेल्प करती हैं आपका डेटा जो आपने देखा है या जिस तरीके से आपने इंटरेक्ट किया है उसके थ्रू उस वेबसाइट को आपके लिए एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होगा तो हमको मदद मिलेगी कि जब हम अगली बार जाते हैं कहीं पे, तो वो हमको अच्छे से, हमारे तरीके से, जैसे हम चाहते थे पहली बार हम जब गए, हमने जो जो सेटिंग्स की है, जो जो हमने उसमें देखा, तो वो हमको अगली बार वापस से मिल जाता है। या फॉर एग्जांपल यूजर आईडी और पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो भी अगर आपने लॉगिन किया है, तो आपने ब्राउजर में स्टोर किए हो या ना किए हो वो एक अलग बात है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उस विंडो को क्लोज भी कर दिया, अगर कुकी इनेबल्ड वेबसाइट है, अगर आप दोबारा उस विंडो पे जाते हैं कभी, तो वो आपको आपके आईडी और पासवर्ड वहीं का वहीं मिल जाते हैं। तो वो आपके ब्राउजर में स्टोर तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुकीज की हेल्प से वो जो वेबसाइट है वहां से उसने उनको निकाल लिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कुकीज खराब क्यों होती हैं। ये तो अच्छी वाली बात थी कि आपको हमेशा मदद करती है कुकीज, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं इस चीज को भी, इनफैक्ट, कि ये जो है ये आपको परेशान कर रही है, ये आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी है जो आपकी इंटरनेट की, उसको आप ये तंग कर रही है कुकीज, तो इनको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात कहां पे आती है, जब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी कुकीज की। आपने दोस्तों देखा होगा कि इंटरनेट पे बहुत बार वेबसाइट्स के ऊपर तरह तरह के एड्स चल रहे होते हैं। कुछ एड्स होते हैं वो पॉपअप एड्स होते हैं, कुछ एड्स होते हैं कि आप क्लिक करते 10-15-20 विंडोज खुल जाती हैं। तो वो अगर जो विंडोज खुलती हैं, अगर वो वेबसाइट्स आपके ब्राउजर में कुकी डाल दें, अगर वो आपके कंप्यूटर में कुकी को इम्प्लांट कर दें, उसके बाद में वो आपकी सारी प्राइवेसी को छीन सकती हैं। अब देखिए, होता क्या है कि कुकीज जो हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होती हैं, यानी कि आपका जो कंप्यूटर में जो कुकीज जो सेव होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, उसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है। और कुकीज में हालांकि आपके आईडी, पासवर्ड या कुछ आपकी डिटेल्स तो सेव नहीं होती हैं, लेकिन जो आपका लॉगिन सेशन होता है वो सारा सेव होता है। तो जो थर्ड पार्टी कुकीज है वो क्या करती हैं, केवल किसी एक वेबसाइट पे नहीं, फॉर एग्जांपल अगर अमेज़न की कुकी है तो वो अमेज़न की वेबसाइट पे ही काम कर रही है, और केवल अमेज़न के लिए ही काम कर रही है, और केवल, मतलब, आपका जो नॉर्मल जो डेटा है वो एक्सेस कर रही है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी कुकी है तो वो आपकी जितनी भी वेबसाइट्स मैंने देखी हैं सभी के अक्रॉस वो काम करेगी, और उसके बाद में उस कुकी जो है उसकी हेल्प से आपका जितना भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर कार्ड का नंबर एंटर किया है, या फॉर एग्जांपल आपने कहीं कार्ड की एक्सपायरी, आपका नाम, एड्रेस नोट किया है, तो वो सभी चीजें उस तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि कुकी जो है वो इनक्रिप्टेड नहीं है। आपने अपना आईडी और पासवर्ड नहीं डाला वहां पे, वो आपका सेव था या जो भी था, लेकिन फिर भी कुकीज में आपकी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, जो आपने इतने सेशन के अंदर जगह जगह पे जो आपने डिटेल्स भरी है अपने नाम की, एड्रेस की, क्या कार्ड डिटेल्स, वो सब उन तक पहुंच सकती है। तो आपके लिए ऑप्शन ये होगा कि आप जाइए अपने किसी भी इंटरनेट ब्राउजर जो भी आप यूज कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स में, और वहां पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि ब्लॉक ऑल कुकीज। इसका मतलब ये कि वो सभी तरह की कुकीज ब्लॉक कर देगा, चाहे वो ट्रस्टेड वेबसाइट से हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे जो भी हो। तो ये एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जो लोग ट्रस्ट नहीं करते इतना ज्यादा ऑनलाइन चीजों पे, या जो लोग चाहते हैं कि अपनी एक अच्छी प्राइवेसी मेंटेन कर सके, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज। इसका मतलब ये कि जो नॉर्मल उस वेबसाइट से कुकी आ रही है वो तो ठीक है जहां पे आप विजिट कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, जो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आ रही हैं, या जो तरह तरह के पॉपअप एड्स के थ्रू आ रही हैं, तो उनको आप ब्लॉक कर दें। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी होता है कुछ ब्राउजर्स में कि वो कुकी आपसे हर बार पूछेगा। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी ब्राउजर पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जब जाते हैं किसी ब्राउजर के थ्रू, तो
वो आपसे पॉपअप में पूछता है कि कुकीज को इनेबल करना है या नहीं करना है, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप इस वेबसाइट को इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी जान के अच्छा लगा होगा, आपको पता लगा होगा कि कुकीज क्या होती हैं, ये कैसे काम आती हैं, ये आपके लिए अच्छी भी हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में अगर आप ध्यान ना दें, अगर आप नॉर्मल ट्रस्टेड वेबसाइट्स अगर आप विजिट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मलिशियस वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आपको तरह तरह के एड्स आ रहे हैं, वो क्या आपके ब्राउजर में प्लांट कर रहा है यू डोंट नो, और उसके थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच सकती है, तो ऐसे केस में आपको ब्लॉक करना उनको ठीक रहेगा। तो ये सारी बातें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी डिजिटल लाइफ को थोड़ा सा और सेफ बना सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना दोस्तों, आपका अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप तक रोजाना इसी तरह की वीडियोस पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।